आपको पाई चार्ट गिवन है और सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है, सिंपल सा है ठीक है। सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 3000। तो सेंट्रल एंगल के लिए क्या करोगे आप, बेसिकली इसमें टोटल एंगल अपने पास अपने को नॉन है कितना होता है 360 डिग्री। अब इसमें ऐड कर लो जितनी भी आपको अमाउंट गिवन है, इन सबको ऐड करोगे तो ये 90,000 आएगा ठीक है। अब 90,000 के लिए, 90,000 क्या है टोटल अमाउंट ठीक है, 90,000 के लिए कितने डिग्री का एंगल है मेरे पास 360 डिग्री का, तो 1 के लिए कितना होगा 360 डिवाइड बाय 90,000। मेरे को कैलकुलेट किसके लिए करना है, 3000 के लिए। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना एंगल आ गया अपने पास 12 डिग्री। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।